मैं और पवन सिंह 1 साल पहले तक हम लोग साथ में काम करते थे और हमारी जोड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बहुत हिट थी। हम साथ में काम करते थे बेशक, और उसके बाद उनकी शादी हुई, जो कि जग जाहिर थी और सारे लोग जानते थे। बहुत पब्लिकली ऑब्जेक्शन भी हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन तब मैं शांत हो गई। मैंने कोई स्टेप नहीं लिया, चलो यार आपकी शादी हो गई, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करती हूँ। तो उसके बाद मैं अपना काम करने लगी। ये क्या करने लगे जनाब? इनका ये कहना था कि अब शादी हो गई है, फिर भी तुम मेरे साथ रहो, मतलब रहना पड़ेगा, और अगर नहीं रहते हो तो जाओगे कहाँ? अब इंडस्ट्री का मैं भगवान हूँ, मेरे पास ही आना पड़ेगा घूम फिर के। तो इस तरीके की धमकियाँ देने लगे। फिर भी मैंने बोला कि चलो यार, नमस्ते प्रणाम करके, बिकॉज़ मेरा परिवेश, मेरा संस्कार वैसा नहीं है कि मैं किसी को उस समय रिएक्ट करती, तो इसलिए मैंने चीज़ों को छुपा के रखा और चुपचाप काम करती रही। लास्टली एक मुद्दा उठा था जब बहुत वायरल हुई थी चीज़ें कि पवन सिंह ने हाथ उठाया। वो एक्चुअल हुआ था, सिलवासा में हम लोग शूट कर रहे थे माँ तुझे सलाम का, और उन्होंने, चूँकि वो पीते बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने एक इंसानियत के नाते मैंने सोचा कि उनको मैं प्रोटेक्ट करूँ कि आप रूम से बाहर मत निकलिए, लोग क्या कहेंगे। उस समय वो इतनी ज़्यादा पी रखे थे कि उन्होंने मेरा, मुझे पकड़ के ज़ोर से धक्का मारा, और जिसके कारण पूरे होटल वाले दौड़ के आ गए बचाने के लिए। क्या हुआ क्या हुआ, चिल्लाने लगे वो बहुत लाउडली। तो ये चीज़ें वायरल हो गई, तब भी मैंने अपना मुंह बंद रखा, बिकॉज़ मैं एक इंसानियत के नाते नहीं चाहती थी कि बहुत ड्रामा हो और किसी का इमेज मैं गिराऊं। मैं शांत रही, मैं चुपचाप, मैंने सोचा कि काम करूं, काम से जवाब दूं। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, हर एक्टर्स को पकड़ पकड़ के इंडस्ट्री में, प्रोड्यूसर्स को, उसके साथ फिल्म करोगे तो मेरे साथ नहीं करने मिलेगा, उसके साथ करोगे तो मैं तुम्हारी फिल्म में काम नहीं करूँगा, ऐसा सब भी करने लगे मुझे इंडस्ट्री से आउट करने के लिए। तो भी मैंने क्या रिएक्ट नहीं कितनी किया। कामयाब हुई आपको इंडस्ट्री से आउट करने में? कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन हाँ, फिल्में जो बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स हैं वो लोग काम नहीं करते थे मेरे साथ, क्या बोलते और थे? बोलते क्या थे, फिल्में नहीं आती थी, और ये जग जाहिर है, ऐसा नहीं है कि किसी से छुपा हुआ है। बट हाँ, जो फिल्में और नए नए अपकमिंग स्टार्स थे उनके साथ में फिल्म करने लगी शांति से, और उसमें ही पॉपुलर होने लगी। साथ ही मैंने गाना गाना शुरू किया, तो मेरे गाने या उनके गाने आए, तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मेरे गाने के व्यूज़ उनसे ज़्यादा होने लगे। पब्लिकली मैं शोज़ करने लगी, इवेंट्स करने लगी, जिसमें एक हीरो का जितना फैन फॉलोइंग होता है, एक हीरोइन का उतना नहीं होता है हमारी इंडस्ट्री में, भोजपुरी में, बट मेरे लिए वैसा होने लगा और लोग सराहने लगे मेरे काम को। इवन अभी भी हाल फिलहाल मैं शो करके आई, बट अब ये क्या करने लगे कि म्यूज़िक कंपनीज में कॉल कर कर के इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इसका गाना मत लो। तो अब चीज़ें एकदम यहाँ पे आ चुकी थी, जो कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं एक शूट कर रही थी और एक शो किया हाल फिलहाल दरभंगा में, मैंने स्टेज शो पे, हूँ तो इंसान ही, भावुक हुई और मेरे मुंह से निकल गया कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे आउट करना चाहते हैं। पता नहीं क्या चाह रहे हैं, लोग कि मैं सुसाइड कर लूँ, जो कि मैं करना नहीं चाहती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं, मैं फाइट करूँगी। बीइंग अ गर्ल, ऐसा नहीं है कि मैं पहले की लड़की हूँ कि दब जाऊँगी डर से, छुपछाप के मैं घर में बैठ जाऊँगी। इन लोगों की ऐसी ही हरकतों के कारण कितनों ने सुसाइड कर लिया, कितनी इंडस्ट्री से आउट हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोग इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं। और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैं ड्रामा कर रही हूँ पब्लिसिटी के लिए, बट ये पब्लिसिटी जितनी मुझे भोजपुरी में मिलनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा पब्लिसिटी मिली हुई है, इसलिए भी मैं फाइट करना चाहती हूँ और चीज़ें खुल के, ओपन अप हो के बोल रही हूँ। आपके साथ कई बार ऐसा भी हुआ है कि इवेंट में जब आपको बायकॉट करवा रहे थे तो एक इवेंट शुरू हो जाता था
आप बस तैयार होकर एंट्री करने वाली होती थी और उसी समय ऑर्गेनाइजर कहते थे कि नहीं आपकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि पवन का ये दबदबा था कुछ नहीं। शोज में ऐसा नहीं हुआ है, शोज में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने मेंटली टॉर्चर करने के लिए अपने भाइयों से धमकियां दिलाते हैं, गाली गलौज कराते हैं। अभी जब से परसों तरसों से न्यूज वायरल हुआ है तब से फेक नंबर्स डाल के या मेरा नंबर डलवा के गाली दिलवा रहे हैं कि उठवा लेंगे और बिहार आके दिखाओ वगैरह वगैरह, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज के खिलाफ मैंने एनसीबी दर्ज कराई है और ये एक तरीके से मेंटल हैरेस कर रहे हैं मुझे। जान से मारने की भी धमकी आपको दिलवाई गई? जान से मारने की धमकियां कितनी मिली है मुझे, जब मैं उनसे अलग हुई थी तब से ये चीजें चली आ रही हैं और उसके बाद चीजें शांत हो गई और अब जब परसों तरसों से मैंने इंटरव्यू दिया है तब से और ज्यादा बढ़ गई है। उनके भाई लोग मुझे गंदी गंदी गालियां दिलवाते हैं, सोशल साइट्स पे लोग न्यूड फोटोज लगा के मेरा चेहरा लगा दे रहे हैं और गंदी गंदी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, विच इज वेरी बैड। और जितना ये लोग ऐसे करेंगे मैं उतना ज्यादा रिएक्ट करूंगी और इनको लग रहा है कि मैं डर के शांत हो जाऊंगी या तो मैं आत्महत्या कर लूंगी कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। अक्षरा दो चीजें हैं, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो मीडिया तो बिल्कुल रिपोर्ट करती है कि आपके साथ गलत हो रहा है और आपके साथ है, आप पीड़ित हैं, आपके साथ हैं। हम मनोज पवन से भी बात करेंगे कि इस तरह की बातें हो रही हैं आपके बारे में, उनका क्या है वो भी हम जानेंगे। फिलहाल उनका फोन बंद है। आपने क्या पुलिस में और लीगल कोई एक्शन लिया है? एनसी ऑलरेडी दर्ज करा रखा है मैंने, बिकॉज कहाँ और किस किस तरह की मालवानी पुलिस स्टेशन में एनसी दर्ज कराया हुआ है, वो भी दो दो बार, जब इनकी शादी हो गई थी उसके बाद भी कई सारी धमकियां आ रही थी कि तुमको जान से मरवा देंगे या बॉम्बे जीना मुश्किल कर देंगे, ये सारी चीजें हो रही थी जो कि मैंने एनसी दर्ज करा दिया कि इन केस अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार ये लोग होंगे, जिसमें पवन जी हैं, पवन के परिवार हैं, ये सब हैं उसमें इंक्लूड। और अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि मैं बिहार जाती हूँ, मैं शोज करती हूँ, मैं खुद फाइट कर रही हूँ, मैं खुद काम करना चाहती हूँ अच्छा, तो मैं क्यों ना करूँ? मुझे एक खरोच भी आता है उसका जिम्मेदार वही शख्स होगा, ये एकदम क्लियरली मैं बोल रही हूँ। आप नमस्ते, मैं हूँ अक्षरा सिंह और आप सब देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। अक्षरा बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और इस बीच मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, आपने बताया आपकी शिकायत भी आपने दर्ज कराई है, एनसी भी करवाई है आपने जी। बहुत सारी धमकियाँ आपको आ रही हैं, आपके काम में प्रभाव है, मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, एक तरीके से पीड़ित हैं। क्या कुछ कहेंगी, क्या कुछ हुआ था? एक्चुअली